मेरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम आज महाराष्ट्र के और एशिया के सबसे बड़े जिला थाना में, और जहां तक मेरी क्राइम रिपोर्टर की मैं भी वहां पर जब पहुंचता हूं तो एक बार में आज मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है। सबसे बड़ी बात संतोष सेठी वर्सेस महेश जोशी का जो केस है, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और मानो ऐसा लग रहा है कि तमाम कोर्ट का फैसला भी हो रखा है और उसके बाद भी शायद पार्टी मानने को तैयार नहीं। आखिर क्या कानून व्यवस्था बनाने वाली जो पुलिस है वो व्यवस्था नहीं कर पा रही है, या पार्टी या कहीं पॉलिटिकल दबाव बना हुआ है? जानने का प्रयास करता हूँ संतोष सेठी के क्या बोली क्या मैं वो लेके होटल कोर्ट में गया। कोर्ट में मेरा ऑलरेडी मैटर चल रहा है। दो दिन पहले मेरे खिलाफ वो जो महेश जोशी ने कुछ स्टेटमेंट दिया उसका वो इसमें क्लियर करने को इधर आया। तो मेरा बोलना ये है, मेरा सब जो मैटर है वो मैटर लेके मैं जब पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं टोटल लीगल हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट से कोई मदद इसकी क्या वजह नजर आती है? क्या कहीं ना कहीं पार्टी से रिलेटेड कोई सरकार पूरा सपोर्ट नहीं कर? कोई पॉलिटिकल लीडर है उसका बीए अभिजीत पवार, वो उसमें रिजोल होने की वजह से पुलिस पुलिस स्टेशन सब काम उसका व्यवहार नहीं कर। कोर्ट के सारे फैसले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट ने स्टेटस कोर्ट ने क्यों नहीं लगा? कोर्ट ने अभी कंटेम्प्ट कोर्ट में मैं गया हूँ। कोर्ट में सब वेकेशन पीरियड था, इसमें लेट हो गया, लेकिन ये इसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके मेरा नाम सब खराब किया। इसका खिलाफ़ मैं अभी माना आने का दाखिला भी करने वाला। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी एक सादा आदमी को पुलिस स्टेशन में कुछ भी सुना ही नहीं, कोई पुलिस वाला अपना नहीं सुनेगा तो पॉलिटिक्स वाले कैसे सुनेगा, तो हमारा कैसा होगा? क्या आपको भरोसा है जो हमारी जो संविधान की व्यवस्था है? अरे बिल्कुल, कार्यपालिका भी सही था और जुडिशरी भी सही, सब तो न्यायपालिका है कहीं ना कहीं अपना फैसला देगी। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है कि आपको फैसला मिलेगा? सर कोर्ट में बिल्कुल मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा पक्ष टोटल क्लियर है और मेरा किधर भी एक पैसे का मिस्टेक नहीं है। और उसने हर जगह चीटिंग किया, हर जगह झूठ बोलता है, हर एक आदमी का झूठा नाम लेता है और गुंडे लोग को खुद ही पालते हैं और मेरा नाम लेता है। वो गुंडे तो अरेस्ट हो गए, क्या वास्तविक वो गुंडे हैं जो अरेस्ट हुए? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ उधर, कोई गुंडा हुआ। पुलिस का कहना है कि कल अरेस्ट हो गए तीन लोग? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको क्या लग कुछ खतरा भी नजर आता है? मेरे को क्या आप बोलना चाहेंगे प्रशासन को और सरकार? मेरे को अभी उधर जो चलाने वाला पार्टी और मालिक और ये अभिजीत पवार, ये लोग से मेरा जान को खतरा है। ओवरऑल अब आप कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का फैसला आएगा, कहीं ना कहीं आपको न्याय तो मिलेगा ही। बराबर, क्या चीज़ें और हैं जो आपके सरकार उनको आप संदेश मैं कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक तो मेरे को मेरा पैसा मिले, नहीं तो कानून के हिसाब से मेरा होटल जो है होटल चलाने। कितना पैसा आपको मिलना है? मेरे को 2 से 2.5 करोड़ रुपए लेना है। तो क्या कोर्ट ने आपके नाम में फैसला दे रखा है? नहीं, कोर्ट में मेरा फैसला कोर्ट में चालू है। मैटर हाई कोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। लगातार इस तरीके से यदि लोग अपनी बातों को रखने के लिए बार बार मीडिया के माध्यम से जाएंगे तो क्या जो जुडिशियली है, विधायिका है या कार्यपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, क्या वो भी इतनी कमजोर हो गई है कि पुलिस प्रशासन हावी हो गया है न्यायपालिका के ऊपर कि पार्टी को पूरा संरक्षण नहीं मिल पा रहा है? देखिए आज मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम की सीधा महाराष्ट्र महानगर मुंबई के एशिया के सबसे बड़े जिला थाना से सीधे ग्राउंड जीरो का रूप से हमारा प्रयास न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी की खैर नहीं, जय हिंद जय भारत। मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम आज एशिया के सबसे बड़े जिला थाना यानी महाराष्ट्र में है और महेश जोशी वर्सेस संतोष सेठी के मामले में एक और प्रशांत मोटे और है जो अपने लिए खतरा बता रहे हैं। प्रशांत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या बोलेंगे आप इस तमाम चीज़ों को लेकर? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2-2.5 साल से जोशी ये मेरे मित्र जैसे, और जोशी ने मेरे से मदद मांगी थी तो मैंने उनकी मदद की थी। पूरा अर्जी पुलिस स्टेशन में, सारे अर्जी एक्साइज में, सारे अर्जी और जहाँ जहाँ न्यायपालिका में अपन हम कोर्ट में जाते थे तो हम साथ में जाते थे। और जोशी का, मैं जोशी के साथ में संतोष शेट्टी के खिलाफ लड़ा हूँ,
आप जब पुलिस प्रशासन के पास गए तो प्रशासन आपको मदद नहीं कर रहा क्या? क्या नहीं, पुलिस प्रशासन का भाग वो उनका है भाई। मेरा उन्होंने उस दिन नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं संतोष शेट्टी का पार्टनर हूँ, तो मैंने अभी वो एग्रीमेंट दिखाया था। मेरा कोई संबंध नहीं किसी से, ना ही महेश जोशी से। उल्टा मैं, महेश जोशी ने मेरी एक पार्टी थी उनसे एग्रीमेंट किया था, जबकि संतोष शेट्टी का एग्रीमेंट चालू है 2024 तक। चाहेंगे आप पार्टी को क्या मैसेज देंगे आप महेश जोशी? महेश जोशी को मैं इतने ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा तुमने मेरा जो नाम का दुरुपयोग किया है, मेरी जो बदनामी हुई है, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ और मैं दावा दाखिल करने वाला हूँ। आपको पूरा भरोसा है कोर्ट जुडिशियली के ऊपर? मुझे सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा है, क्योंकि आपने वो जॉली LLB 2 पिक्चर देखा रहेगा, जिसमें लास्ट में जज जब स्टेटमेंट देते हैं उसमें एक कहा जाता है कि लोग आज भी न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा या फिर कोई भी दफ्तर से न्याय नहीं मिलेगा, तो लोग आज भी जब दो जोड़ों में झगड़ा होता है तो वो लोग एक दूसरे को ये कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। इससे सूत्रों से पता लग रहा पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा कहना है महेश का, उसके बारे में क्या बोलिए? पुलिस का मेरा कुछ लेना देना नहीं है पुलिस का। एक्चुअली इन लोग ने मुझे ये इसी साल के अप्रैल महीने में इन लोग ने मुझे उधर बुला करके धमकी भी दी थी जान से मारने की, चाकू दिखाया था इन लोग ने, 40 लड़का लोग जमा करके। मैंने पुलिस स्टेशन में जाके अर्जी दिया था, मेरा स्टेटमेंट भी हो चुका है। बाद में मुझे वडौली के हद्दी में भी मुझे मारने का प्रयत्न किया था, धमकी दिया था, उसका मैंने NCB रिकॉर्ड किया था, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। अभी अभी सरकार का इसमें कुछ नजर आते क्या? अभी नहीं, अभी अभी सरकार चेंज हो चुकी है और मुख्यमंत्री साहब थाना के ही है, और मेरा जन्म भी थाना में ही हुआ है। मैं CM साहब को मिलूंगा, राज्य के गृह मंत्री को मिलूंगा, विधान रूप करेंगे। देखो आप विधायक, आप न्यायपालिका के कोर्ट जा रहे हैं तो मंत्रियों का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, न्यायपालिका अपना फैसला देगी, आप फिर उसमें ओवरऑल ये कैसे हो जाता है कि पुलिस न्यायपालिका के ऊपर हावी होता नजर आ रहा है, क्या मानते हैं ऐसा? अभी पिक्चर तो वही दिख रहा है, अभी वही सब दिख रहा है, न्याय मिलेगा वही सब दिख रहा है। इसके लिए मैं अभी मेरा जो नाम लिया गया है वो उसके लिए आप कोर्ट की ओर, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट के दरवाजे ठकठकाऊंगा और मां नानी का दावा मैं दाखिल करने वाला हूं। उम्मीद करेंगे किस तरीके से जब समस्याएं होती हैं तो शायद न्यायपालिका जो सबसे बड़ी इस देश की संविधान व्यवस्थाएं हैं वो फैसला आएगा और आपको उसमें विजय मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। होटल स्पेंसर। और ये जो प्रियदर्शनी क्या है? प्रियदर्शनी FL3 का लाइसेंस है। अच्छा, जो दूसरा वाला है वो क्या है? वो सुरसंगीत होटल, वो सुरसंगीत हर्षित बार। अच्छा, वो बार है, वो भी मेल बार है? ओपन ऑर्केस्ट्रा बार। अच्छा, जो डिस्प्यूट चल रहा है वो ऑर्केस्ट्रा बार का है, हर्षित बार एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ का चल रहा है? यहाँ का कुछ नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे पार्टनर है? अच्छा, पार्टनर है वहाँ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ये है एशिया का सबसे बड़ा जिला थाना। इस जगह का क्या नाम है? कापरोड़ी। थाना में महाराष्ट्र महानगर मुंबई। जो होटल डिस्प्यूट है ओपन में सुरसंगीत कर, सुरसंगीत हर्षित बार। कब से चल रहा है ये डिस्प्यूट? डिस्प्यूट है जो कोरोना से पहले से 3 साल हो गए। 10 तारीख से 11 तारीख उनका स्टेटमेंट भी चेक करेगा तो मिलेगा, हमारा स्टेटमेंट भी है, हमारा पसंद दे रहे हैं आप से न्यायपालिका की तमाम डॉक्यूमेंट्स। कोविड का टाइम पे भी 4-4 लाख रुपया 8 लाख रुपया। कितना दिन मैं तो लास्ट में वो कंप्लेंट में वो लोगों का 4-5-6 लोगों का नाम भी डाला, आज तक उसका कोई कार्रवाई हुआ नहीं। मुरली महेश मुरलीधर जोशी, मोहन शेट्टी, वीरेश शेट्टी, स्वामी मलयबारी सुदाम, HAR। मेरा 2024 था वैलिडिटी, लेकिन इसका अंदर 2 साल कोरोना बंद था तो मैंने बाड़ा दिया है उसका, इस वजह से मेरे को 4-5 साल मिलना चाहिए। आपको कौन धमका रहा है? मेरे को फोन पे नहीं, मेरे को मेरा होटल के पास अभी इस भाव आ रहा है। क्या उनका नाम क्या? एक्स मिनिस्टर का PA अभिजीत पवार। वो कोई भी पुलिस स्टेशन में जाता है तो हमको उधर पुलिस वाला हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका फोन आ जाता है फिर हमको उधर बिटा बिटा के ऐसे रिटर्न भेज देते हैं। विकास दवड़े का कोई पिक्चर किधर भी नहीं है, विकास दवड़े एक अच्छा इंसान है, वो सबसे उसका अच्छा संबंध है। एक बात है, 11 तारीख को
महेश जोशी ने मुझे कॉल किए थे और खुद ही बोला था कि मेरे होटल में 20 से ज़्यादा लड़कियां है, दैट इज इलीगल करो करके वो जोशी ने मेरे को खुद कॉल किया था। अगर होटल वो दूसरे को चलाने को नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं करता। उसका रिकॉर्डिंग में है कि इन लोग को होटल चलाने के लिए नहीं जम रहा है, दूसरा कोई तो पार्टी दे, तेरा पहचान का दे या फिर कोई दे, और ये मेरे को बोलता है मैं संतोष शेट्टी का पार्टनर हूँ। मैं इसकी मदद की है 3 साल से, मैंने इसकी मदद की है, इसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया और अभी मेरे पे झूठे एलिगेशन कर रहा है, मेरे कंधे में बंदूक रख के संतोष शेट्टी पे चलाना चाहता है ये, और इनके पीछे गुंडे लोग हैं और वो गुंडे लोग मुझे रास्ते में मिलके जान से मारने का धमकी भी दिया है उन्होंने, और मैंने 5 अप्रैल को मुझे बुला करके धमकियाँ दी थी उसकी, लेकिन तकरार मैं पुलिस स्टेशन में की है उसका, 6 अप्रैल को मैंने तकरार की है वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में, उसका जवाब भी रिकॉर्ड हुआ है, और वडोली पुलिस स्टेशन में वो NCP दाखिल की है, मेरे पास उसके सब है, मैं आपको सब देता हूँ। मेरी जान को धोखा है एक्चुअली, और ये बोलता है कि इसकी जान को धोखा है। ओके, मेरी जान को धोखा है। क्या कोर्ट का रुख करेंगे या पुलिस का रुख करेंगे कोर्ट में भी दाद मांगने वाला हूँ, पुलिस स्टेशन में भी जाने वाला हूँ, दोनों तरफ बोलो न्याय मांगने वाला हूँ। मैं जिधर भी मेरे कंप्लेंट करना है उधर करूंगा और कोर्ट में भी जाऊंगा, अजीत पवार के खिलाफ भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मेरा 2-2.5 करोड़ रुपए का पैसा ये पुकड़ में ऊपर है, उधर पूरा सामान मेरा लगा हुआ है। जोशी के साथ में लड़ा हूँ इनके अगेंस्ट में, और जब इनका एग्रीमेंट चालू था तो ये मेरे को बोला कि मेरे होटल किसी को देना है नया पार्टी ला करके, तो ये अभी जो उधर बैठे हैं मोहन शेट्टी और जो मलयाय बारिक जो इनके साथ पहला पार्टनर था, तो उनको वो पार्टी मैंने लाया था और उन पार्टी को भी दिशा भूल किया इसने, अभी वो उनके फेवर में है, लेकिन अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं। ये एग्रीमेंट मारा उसने, ये एग्रीमेंट में आप पूछ रहे थे, हाँ ये जो एग्रीमेंट है ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं चंद्र मुरलीधर जोशी बोला ये, और ये संतोष मुदाना शेट्टी मोहन शेट्टी के ये साले साक्षी और कोर्ट की जजमेंट के बाद भी अभी भी विवाद बना हुआ है लगातार। उस एग्रीमेंट में 2024 वो थर्ड पार्टी का साथ है, 5-3-2020 एक नया एग्रीमेंट बनाया उसके अंदर 3 लोगों पार्टनर है, ये उसको मालूम पड़ गया आगे चल के तकलीफ होगा कि वो 17-3-2021 एक साल बाद उसको कैंसिल कर दिया, और वो मेरा ऊपर और एक इल्जाम लगा है, मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बैंक से जो लोन लिया मत साल मेरा अकाउंट ओपन हो गया और उसका कोई भी प्रॉपर्टी मैंने मोड़ के नहीं किया, और बैंक से मेरे पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेटर समय, और मैंने जितना दिन होटल चला है मेरा कोई भी 1 महीने का भाड़ा भी पेंडिंग नहीं है, अब ये ना 1 महीने का लेट हुआ है, और जब भी कोविड होने के बाद में जब भी होटल चालू करने को लिया बोला मैं लाइसेंस रिन्यू नहीं करूँगा, तो जब भी बोला कोविड का मेरे पेंडिंग रेंट थे वो मेरे को पहले देना चाहिए, तो फिर 4+4-8 लाख रुपए मैं वाइट में उसको पेमेंट किया, वो पेमेंट करने के बाद में भी वो साल में लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, वो लाइसेंस नहीं रिन्यू करने की वजह से वो होटल 1 साल बंद रहा, वो होटल बंद रहने का टाइम पे कोर्ट मैटर हो गया, कोर्ट मैटर में कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट में हाँ उस कोर्ट में मेरे को स्टेटस को मिला कि होटल जो पोजीशन में वही पोजीशन में बंद रहना चाहिए, फिर एक अप्रैल को स्टेटस को मिला तो भी वो 2 तारीख को होटल को चालू किया। अच्छा होटल में दावे में कैसा आया, वो कोर्ट में पोजीशन मांगता है 2/5/3/30/3/2021 को कोर्ट में पोजीशन मांगता है कि मेरे को मेरा पोजीशन दिलाओ करके पूछ सकते हैं, तो जैसे होता वैसे तुम भी कुछ आता है बाकी मैं देखूँगा क्या करता, और उसके बाद में उसको